अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लज़ानिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लज़ानिया सारी दुनिया में बहुत फेमस है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। इसको हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है लज़ानिया के नूडल्स हैं, और इसमें चिकन भी ले सकते हैं आप, यहाँ मटन भी ले सकते हैं। मैंने ये मटन लिया है। लज़ानिया जो मार्केट में मिलता है उसमें खीमा होता है, लेकिन मैंने इस तरह मटन को लेकर बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको नमक और काली मिर्ची लगा लिया है। इसमें जाएगा एक ऑनियन और मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, दो किस्म के, एक सॉफ्ट मोज़रेला चीज़ है और एक मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक है। और इसके अंदर ये लज़ानिया के ये कच्चे नूडल्स है, इसको हम बॉईल करेंगे और इसको लज़ानिया में यूज़ कर लेंगे। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पैन में मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल डालूंगी। ये जब तक ऑयल गर्म हो जाएगा तब तक हम ये पानी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये थोड़ा बड़ा पैन ले लेना है, इसमें जो है सो आधे से ज़्यादा पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देना है। मेरे पास बहुत लंबा पैन नहीं है जिसमें मैं नूडल्स डाल सकूं। अगर थोड़ा कम पैन है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नूडल्स थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट होकर सिंक हो जाते हैं तो ये बस हो जाएगा। तो पानी में मैंने ऑयल डाला और नमक डाला है। अब मेरे पास 2 लहसुन की कलियां हैं, इसको मैंने छीन लिया है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये पैन में ही 2 लहसुन की कलियों को ग्रेट कर लेना। मैंने स्टोव का फ्लेम मीडियम पर रखा है, तो हम ये पूरी रेसिपी मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। लहसुन को इसमें ग्रेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए भून लेना ताकि ये लहसुन का कच्ची बो चली जाए और ये गोल्डन कलर का हो जाए। इसके बाद जो मैंने मटन को कट कर कर रखा था, इसमें नमक और काली मिर्ची लगा कर रखा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक ये हमारा गोश्त भुने जाएगा तब तक इस बीच हम टमाटो सॉस की तैयारी करते हैं। मार्केट में भी रेडीमेड टमाटो सॉस मिलता है, लेकिन मैं फ्रेश सॉस घर में ही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 टमाटे लिए थे। 2 टमाटों को मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है और 2 टमाटों को मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। इसको मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। ये स्टोव का फ्लेम मीडियम पर है, ये गोश्त हमारा कलर चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। इस बीच ऑनियन को कट कर लिया है, ये 2 टमाटे है। अब भी इसमें 2 टमाटे हैं, 1 इंच अदरक के पीस को कट कर लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी कोथमीर है। इन सबको मैं ग्राइंडर के जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी, इससे ये सॉस बन जाएगा। अगर आपको रेडीमेड सॉस चाहिए तो मार्केट में लज़ानिया का रेडीमेड सॉस भी मिलता है। ये हमारा गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसने थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो कटी हुई ऑनियन थी वो मैं डाल दूंगी। हमारे इंडियन करीज़ में हम पहले ऑनियन को भून लेते हैं उसके बाद गोश्त को डालते हैं, लेकिन अमेरिकन रेसिपीज़ में पहले आप गोश्त को भून लेते हैं उसके बाद आप इसमें ऑनियन को डालते हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह इसको भूनना है। उसके बाद ये मेरा टमाटो सॉस बन गया है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये पूरा टमाटो सॉस डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना। ये टोमेटो सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मैं घर में बनाती हूँ। इसमें अदरक और हरी मिर्ची डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जो टमाटे मैंने कट करके रखे थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इन सबको मिलाकर इसी तरह थोड़ी देर तक पकाना है। अब आप इसका एक बार टेस्ट भी देख लेना। मैंने इसका टेस्ट देखा था तो इसमें थोड़ा सा नमक लगेगा, तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूँगी। मैंने टोटल 9 लज़ानिया के शीट्स को गर्म पानी में बॉईल होने के लिए रखा है। मैंने 9 शीट्स इसीलिए लिए हैं क्योंकि मेरे पैन में 9 बराबर हो जाएंगे। और मिर्ची भी थोड़ी कम है तो मैं इसमें फ्रेश काली मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आपको मिर्ची कम लग रही है तो लाल मिर्ची नहीं डालना, काली मिर्ची ही डालना। और ये गार्लिक और हर्ब्स का मिक्सचर है, मैंने फ्रेश गार्लिक भी डाला था और ये हर्ब्स का मिक्सचर है, ये भी इसमें डाल दूँगी। इन सबको मिलाकर हम इसी तरह पकाते रहेंगे। और नूडल्स के पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, इस पर लिखा हुआ था कि 10 मिनट्स तक पकाना, तो मैं नूडल्स को 10 मिनट्स तक पका लूँगी और ये इस बीच से सॉस को भी 10 मिनट्स तक इसी तरह पकाते रहूँगी। इसमें आप गोश्त गलने का टेंशन नहीं रहता क्योंकि गोश्त हम इसको ओवन में पकाएंगे 1 घंटा तो गल जाएगा। इस बीच एक छन्नी भी रेडी रख लेना ताकि 10 मिनट के बाद हम इसको छान लें। पैकेज के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इसे 10 मिनट पकाना चाहिए, तो मैं 10 मिनट के बाद इसको छान लूँगी। इसको छानने के बाद इमीडिएटली आप इसको ठंडे पानी से रिंस कर लेना। इसको ठंडे पानी में रिंस करने से इसकी कुकिंग की प्रोसेस रुक जाएगी और हमारा नूडल का शेप इसी तरह बना रहेगा।
इस बीच मैंने मेरे सॉस का स्टोव भी ऑफ कर दिया है। ये पैन मैंने लिया है, इसमें मैं अपना लज़ानिया को असेंबल करूँगी। अब 10 मिनट्स के बाद मैंने स्टोव ऑफ कर दिया है। ये मेरे लज़ानिया का ये मीट सॉस रेडी है। इसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है लकड़ी के चमचे से। ये मेरा मोज़ारेला है, ये जो है सॉफ्ट मोज़ारेला है, इसको भी मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया है ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरे लज़ानिया के नूडल्स है जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। और ये गार्लिक और हर्ब्स है, एक और नमक काली मिर्ची है। ये मेरा माइक्रोवेव ओवन सेफ ग्लास बाउल है, तो इसी में मैं इसको बेक करूँगी। पहले एक लेयर का मैं इसमें ये मटन सॉस डालूँगी। मैंने सॉस को थोड़ा पतला इसीलिए रखा है क्योंकि ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट डे जब मैं खाने जाऊँगी और उसको माइक्रोवेव में हम गर्म करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाता है और खाने लायक नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा सा पतला रहने से नेक्स्ट डे जब बच जाएगा तो आप इसको आराम से माइक्रोवेव में गर्म कर खा सकते हैं। ये मेरा पैन थोड़ा छोटा है और नूडल्स थोड़े बड़े हैं, तो मैंने अपने पैन के हिसाब से थोड़ा एक कॉर्नर कट कर दिया है नूडल्स का। इस तरह आप साइज देख लेना और पूरे नूडल्स के कॉर्नर्स को कट कर लेना। मेरे पैन में पूरे 3 शीट्स आएंगे एक लाइन में, तो मैंने इसीलिए 9 नूडल्स लिए हैं ताकि 3 लेयर्स आसानी से बन जाए। इस तरह मैंने एक लेयर में 3 नूडल्स डाले हैं। पहले बॉटम में सॉस डाला है, 3 शीट्स डाले हैं। इसके ऊपर मैं ये सॉफ्ट मोज़ारेला चीज़ डालूंगी। आप ये सॉफ्ट मोज़ारेला चीज़ के बजाय रिकोटा चीज़ या फिर कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पहले मोज़ारेला चीज़ को इस तरह बाजू हल्के से श्रेड कर लेंगे हम और इसको इवनली इसके ऊपर डाल देंगे। ये चीज़ में थोड़ा सा नमक रहता है, ये सॉफ्ट मोज़ारेला चीज़ में, इसीलिए थोड़ा नमक कम डालना ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए। नूडल्स के शीट के ऊपर हम एक लेयर ये मोज़ारेला चीज़ डालेंगे, फिर थोड़ी सी जो ब्लॉक मोज़ारेला चीज़ थी जिसको मैंने कट करके रखा था, वो ग्रेट करके रखा था, वो भी डालेंगे। थोड़ा साल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा गार्लिक एंड हर्ब्स मिक्सचर डालेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर। अब इसके बाद हम सेकंड लेयर की तैयारी करते हैं। सेकंड लेयर के लिए भी इसी तरह मीट सॉस डाल देना। मैंने इसको 4 पीसेस में इसीलिए डिवाइड किया था ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो और मैं आराम से डाल सकूं। फर्स्ट लेयर मैंने डाल लिया है, अब सेकंड लेयर डाल दूंगी। मैंने इसी तरह मीट के छोटे छोटे पीसेस करे हैं ताकि जब मैं लज़ानिया को कट करूँ तो मुँह में मीट का बाइट आता है और वो टेस्ट अच्छा लगता है। खीमा अगर यूज़ करेंगे तो उसमें उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता। इस तरह सेकेंड लेयर असेंबल करना है। अब सेकेंड लेयर में हम नूडल के शीट को क्या करेंगे, अब मैंने इस तरह हॉरिजॉन्टल डाला है तो सेकेंड लेयर में हम वर्टिकल डालेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे। पहले मीट सॉस को पूरा अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे लेयर को आ गए जैसा, और इसके कॉर्नर्स में भी डालना क्योंकि कॉर्नर ज़्यादातर ड्राई रह जाते हैं। अब हम ये शीट्स को वर्टिकल डालेंगे। जब से मैंने हॉरिजॉन्टल डाला था तो अब मैं वर्टिकल डालूंगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डालूंगी। अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम उसी तरह इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। फिर हम मोज़ारेला चीज़ डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ और मटन होता है और नूडल्स होते हैं। अगर आप एक स्लाइस लज़ानिया की खा लेंगे तो आपको फिर सुबह तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा डिनर में आप एक स्लाइस लज़ानिया से आपका पेट फुल हो जाता है। मैं डिनर में एक स्लाइस लज़ानिया खाती हूँ तो सुबह तक बस हो जाता है। इसके बाद थोड़ी सी मोज़ारेला चीज़ और डालेंगे और थोड़ा सा साल्ट और पेपर। ये लज़ानिया मेरे घर में एक दिन में ख़त्म नहीं होता, 3-4 दिन तक रहता है, तो इसीलिए मैंने मीट सॉस थोड़ा पतला रखा है क्योंकि अभी मैं इसको नेक्स्ट दिन माइक्रोवेव में गर्म करूँगी तो बहुत नूडल्स ड्राई हो जाते हैं। थोड़ा सा वेट सॉस रहने से क्या होगा, दूसरे दिन भी हम जब माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो थोड़ा सा वेट रहेगा। अब ये हमारी थर्ड लेयर है, इसको भी हम इसी तरह रिपीट करेंगे।
अब जितना भी सॉस बचा है वो पूरा ऊपर की लेयर के ऊपर डाल देना। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चीज़ डालेंगे, हमने दो लेयर में जितना भी डाला था उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे टॉप लेयर के ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा टूथपिक्स रखना ताकि हमारा हम जब एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे तो ये इसको पूरा चिपकना नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा टूथपिक्स लगाने से क्या होगा हमारी एल्युमिनियम फॉइल डायरेक्ट चीज़ को नहीं चिपकेगी। इसके बाद इसको एल्युमिनियम फॉइल में इस तरह फोल्ड कर देना और हम इसको ओवन में बेक करेंगे। मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 375 डिग्री फारेनहाइट या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहले हम आधा घंटा इसको इस तरह फॉइल लगाकर एक ट्रे में रखकर बेक करेंगे 375 डिग्रीज पर। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसका फॉइल निकाल दूंगी और विदाउट फॉइल के फिर हम आधा घंटा और बेक करेंगे। ये मेरे लज़ानिया नूडल्स के जो थोड़े से बचे हुए पीसेस थे इसको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये बहुत क्रंची और टेस्टी बनते हैं। एक बार इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी, इसके बाद निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर लूँगी। अब मेरा अभी आधा घंटा हो गया है तो मैं उसमें से निकाल दूँगी और उसके ऊपर का एल्युमिनियम फॉइल निकाल कर फिर विदाउट एल्युमिनियम फॉइल के इस तरह विदाउट कवर आधा घंटा और बेक करेंगे। नीचे ट्रे रखने से अगर हमारे लज़ानिया में से कुछ लिक्विड निकलेगा, ऑयल निकलेगा तो ट्रे में गिर जाएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अल्लाह हाफिज़।